गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनालिटी 3.3 के पहला सवाल के 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पिछले वाले जो टॉपिक में जो सवाल थे उसको मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए दिए और कुछ बच भी गए थे। अगर आपने नहीं बनाया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमारा जो सवाल है वो हमारा 3.3 का दूसरा नंबर सवाल है। आज हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे और तीसरे के दो सवाल को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे आज हम लोग तीन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन पहला है, 2x + 3y = 11, मतलब पहला समीकरण है, और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y = mx + 3 हो और यहाँ पर क्या 2 को समीकरण दे रखा है। तो पहले जो 2 समीकरण दिया उसको हल करेंगे। हल करने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो आपको मैंने बताया है आपको प्रतिस्थापन विधि का चयन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाल दिया हल, ठीक है, पहला समीकरण उतार लेते हैं, 2x + 3y = 11 और दूसरा है 2x - 4y = -24। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर क्या है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो आप कौन सा इक्वेशन आपको आसान लग रहा है? तो मेरे को तो दोनों बराबर लग रहा है। चलिए पहला वाला को ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11 और 2x = -3y, क्योंकि 3y इधर प्लस का, इधर क्या आ जाएगा माइनस का। चरण मैंने बताया था ऐसे ही करना है आपको। x बराबर कितना हो गया 11 - 3y / 2। अब x के मान को कहां रखिएगा, तो x के मान को समीकरण 2 में रखिएगा। जब x के मान को समीकरण 2 में रखिएगा तो किसका मान प्राप्त होगा, तो आपको किसका मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा। और y से आप किसका मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। कर सकते हैं, बहुत आसान है। मतलब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे x का मान को रखना है, x का मान को समीकरण 2 में रखना है जिससे y का मान आएगा, और y के मान को x के मान में रख देना है, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ तक खुद करना है, जो अतः में लिखते हैं x बराबर कितना और y बराबर कितना, जितना भी आता है उतना आप लिखते हैं, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। लिख लेंगे आपको यहाँ तो सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तुरंत आपका सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस x बराबर y बराबर हो गया। अब ये सॉल्व करके x कितना आ गया, अब हमारा सवाल क्या है, y m, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर। चूंकि y बराबर mx प्लस 3 यही है, यहां पर y तथा मतलब x तथा y का मान रखने पर, एक हिंदी लिखना होगा, क्या लिखने पर, x तथा y का मान रखने पर, जो यहाँ पे आपका मान आएगा उस मान को यहाँ रख दीजिएगा, जो भी आए आपका मान वो मान यहाँ रखिएगा, फिर m, जैसे यहाँ पे कुछ भी मान आ गया वो मान यहाँ रख दीजिएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर गुणे यहाँ पर रख दीजिएगा और प्लस 3, मतलब यहाँ पे x का मान रखिएगा, यहाँ पर y का मान रखिएगा और उस मान को गुणा करके किसका मान ज्ञात कर लीजिएगा, m का मान प्राप्त कर लीजिएगा। कर लेंगे, दो चर एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करके 3 को इधर ला दीजिएगा, 3 को इधर लाइए, घटेगा, घटने पर mx, m के साथ में कुछ भी है जो भी इनटू में यहाँ पर है उसको कर दीजिएगा भाग में, भाग करके m का मान, मतलब क्या करना है आपको, x और y का मान यहाँ रख देना है जिससे किसका मान निकल जाएगा, m का मान, और यहाँ लिख देना है अतः m बराबर इतना, m बराबर इतना। लिख देंगे, सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया, यहीं पे आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कैसे कैसे क्या करना है, तो सवाल को यहाँ से सॉल्व करना है, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। सॉल्व जब कीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से, आपका x और y का मान आएगा, x y का मान यहाँ रख दीजिएगा,
तो किसका मान निकल जाएगा, एम का मान निकल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो आप इसको जल्दी जल्दी उतारना उतार लीजिए, नहीं तो पहले अभी वीडियो को रोक करके आप बना भी सकते हैं, ठीक है, जल्दी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने उसको वहां पे छोड़ दिया था आपके लिए, आप उसको जरूर बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी किताब का है एक्सरसाइज 3.3। याद रखिएगा कि हम लोग कौन सा चल रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 पे चल रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो कह रखा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न समीकरणों, निम्न को समीकरण के युग्म में लिखे और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हिंदी वाला सवाल है, तो आप हिंदी वाला सवाल के तो माहिर है, क्योंकि आपने पीछे अभी आलेखीय विधि से कई सारे सवाल हिंदी वाले सॉल्व किए थे, तो चलिए वैसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो को संख्या है उसका अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब किसको ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो आपके पास दो संख्या है, तो यहां पर मान लेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x, मैंने हाँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको दो चर मिलेंगे, तो एक चर है एक संख्या, एक दूसरी संख्या, तो माना कि एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, मैंने बोला था मानने के लिए। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब ये दोनों का अंतर कितना है 26 है। तो प्रश्न की पहली शर्तानुसार, जैसे पहले लिखते थे, प्रश्न की पहली शर्तानुसार क्या है, पहली शर्तानुसार दोनों का अंतर, मतलब x माइनस वाई पहली संख्या घटाओ दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितना है 26 है, समीकरण में कितना होगा a, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो दोनों का अंतर हमने 26 कर दिया। अब दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब प्रश्न संख्या की दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रहा है भाई, एक संख्या मतलब x, x बड़ा है क्योंकि x को यहां बड़ा माना है, x माइनस वाई की है, तो x दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है, मतलब y की 3 गुनी है, तो y में 3 से गुणा कर देंगे, x बराबर y को 3, 3 गुनी मतलब 3 से गुणा, x बराबर क्या हो जाएगा 3y इधर हो गया, तो माइनस कर 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2, आपके पास इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया और इक्वेशन आपको कौन सा प्राप्त हो गया 2, मतलब x माइनस y बराबर कितना प्राप्त हो गया 26, और दूसरा आपको प्राप्त हो गया x माइनस 3y बराबर 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपको कौन से विधि से हल करना होगा, तो प्रतिस्थापन विधि पढ़े आप, इन दोनों में से कोई एक मान को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। हल करने के बाद कैसे करेंगे, जैसे समीकरण 1 से या समीकरण 2 भी ले सकते हैं, इसमें आसान है समीकरण 2, तो जो भी मान करें आप लीजिएगा, समीकरण 1 या 2 से जो भी लीजिएगा, उससे आपको क्या मान प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा, फिर x के मान को समीकरण जो भी समीकरण लीजिएगा और दूसरे वाले में रखिएगा, तो उससे y का मान प्राप्त होगा, और x और y के मान को जब आप यहां लिख देंगे तो अतः हो जाएगा x बराबर इतना और y बराबर इतना, सॉल्व करके x और y का मान रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक तो हो गया, प्रतिस्थापन विधि हल हो गया, परंतु एक बात याद रखिएगा, आप ये हिंदी वाला सवाल बना रहे हैं और हिंदी वाला सवाल में कभी भी इतना में नहीं छोड़ा जाता है, इसके बाद हिंदी लिखा जाता है, इसलिए चाहे अतः यहां आप इसलिए लिख सकते हैं और यहां वाले आप क्या लिख दीजिएगा, अतः दो संख्या कर रहा है मतलब उन्हें ज्ञात करना है, अतः पहली संख्या मतलब एक संख्या जो आपने माना है, जो यहां माना है वही लिखिएगा, अतः एक संख्या बराबर जितना लिया है और दूसरी संख्या बराबर जितना है, मतलब x का मान एक संख्या माने तो x का मान रख दीजिएगा, y का मान दूसरी संख्या रख दीजिएगा, ठीक है, ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको सवाल पढ़िएगा, पढ़ने के बाद से हिंदी लिखिएगा, हिंदी में माना कि
जो भी मानना है, क्या मानना है आपको, तो ये दो को संख्या है तो दोनों संख्या को मानिएगा। दोनों संख्या को मानने के बाद से दो को शर्त मिलेगा, दो को शर्त मिलेगा। तो पहली शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर वाई गुणे 3, तो x बराबर 3y हो जाएगा, x माइनस 3y हो जाएगा बराबर 0। दोनों समीकरण में आ करके आप इसका मान ज्ञात कीजिएगा x और y का मान, और जब x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तो आप अतः में लिखिएगा, अतः एक संख्या बराबर जो x का मान होगा वो, और दूसरी संख्या बराबर जो y का मान होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको सॉल्व हो जाता है। अब हम इसके बाद जो एक और सवाल है तीसरा को देखेंगे, आप इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वह तीसरे क्वेश्चन का दूसरा नंबर है। क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, मतलब दो संपूरक कोण है उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल है ये, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं पता होगा आपको, परिभाषा पढ़ाए थे 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। संपूरक कोण वे कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण। मतलब पहला कोण x और दूसरा कोण y, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 हो, तो वो कौन सा कोण होता है, संपूरक कोण। और अगर दोनों कोणों का योग 90 होता है तो वो कौन सा कोण होता है, तो वो पूरक कोण होता है। वो कौन सा कोण होता है, पूरक कोण। संपूरक कोण दोनों का योग 180 और पूरक कोण दोनों का योग 90। तो याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये अगर नहीं याद रहा तो आप ये सवाल नहीं बना सकते हैं, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो उन्हें ज्ञात करें, और ये बड़ा कोण है छोटा कोण है तो मान लेते हैं, हल जो चीज दिया रहता वही चीज मानते हैं। माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, बड़ा कोण को x मान लिया, छोटा कोण को क्या मान लिया, y मान लिया, तो अब क्या है, संपूरक कोण है। तो प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, प्रश्न की पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त क्या है भाई, तो पहली शर्त ही बता दिया इसने कि यह संपूरक है, तो संपूरक है मतलब कि संपूरक है इसका मतलब x प्लस y दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। याद रहेगा, यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि संपूरक कोण में दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, समीकरण नंबर क्या हो गया, ए। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, बड़ा कोण, बड़ा कोण मतलब x, बड़ा कोण, दूसरा छोटा कोण से, मतलब छोटा कोण मतलब y बराबर दोनों, मतलब बड़ा कोण इससे अधिक है, मतलब बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर कितना डिग्री, 18 डिग्री। समीकरण नंबर क्या हो गया, दो। समीकरण एक हो गया x प्लस y बराबर 180, और दूसरा हो गया प्रश्न की दूसरी शर्त अनुसार, बड़ा कोण मतलब x, छोटा कोण मतलब y से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर 18। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास दो इक्वेशन आ गए, पहला इक्वेशन हो गया x प्लस y बराबर 180, और दूसरा इक्वेशन हो गया x प्लस x माइनस y बराबर 18। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों को सॉल्व कीजिएगा, समीकरण एक से रख करके सॉल्व कीजिएगा, या दो से, दो भी आसान है तो दो से रख सकते हैं, रख करके x का मान और y का मान आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। मान लीजिए आपने x और मान का y का मान प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन इसलिए x बराबर इतना और y बराबर इतना, ज्ञात हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, अतः हिंदी लिखना होगा जरूर, बिना हिंदी वाला सवाल में आप अतः लिख के बिना छोड़ेंगे नहीं, अतः बड़ा कोण बराबर जो x का मान होगा लिख दीजिएगा, और दूसरा आपने क्या माना है, छोटा कोण
बराबर जो वाई का मान रखेगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग इसको कर लेंगे, सॉल्व कीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत अगर होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप से जरूर या फेसबुक से भी जुड़ करके आप बता सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या इसके कॉमन डाउट्स में भी आप बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने तीन सवालों को देखा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।